हेलो दोस्तों, तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप सैमसंग जो भी मॉडल है आप इसका जो FRP आप अनलॉक कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है FRP लगा हुआ है, मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं वाईफाई का जो पासवर्ड है इस पर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पर देख सकते वाईफाई जो है कनेक्ट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें जो कनेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इस तरफ इंटरफेस आ रहा, थोड़ा वेट करने का यहाँ पे प्रोसेस आ रहा है, तो थोड़ा हम यहाँ पे वेट कर लेंगे। आपके पास कोई भी मॉडल रहने दीजिए सैमसंग का, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं यहाँ पे FRP जो इसमें जो गूगल अकाउंट है वो लगा हुआ है। तो इसमें जो जीमेल अकाउंट है उसका यहाँ पर लॉक आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा देर प्रोसेस लेगा, फिर यहाँ पे आपका जो भी जीमेल आईडी लगा हुआ था उसका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के लिए बुला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जीमेल, यहाँ पे जीमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा, तो आगे ये नेक्स्ट होगा। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद इसमें USB डाटा केबल जो है मैं PC के साथ कनेक्ट करके इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे PC में ये जो टूल है SAMFW टूल जो है इसको मैं ओपन करके रखा हूँ। पहले हम ट्राई करेंगे इस टूल के मदद से। तो इसमें अगर इसका ID भी एनेबल हो जाता है तो हमारा FRP जो है वो बाईपास हो जाएगा। तो ID भी एनेबल करने के लिए चेक करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद थोड़ी देर हम यहाँ पे वेट करेंगे, तो यहाँ पे एरर आ चुका है। तो यहाँ से हम सेकंड वाला मेथड पे जाएंगे और इस पर हम क्लिक करेंगे और नॉर्मल मोड पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही नॉर्मल मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा, स्टार है, 0 स्टार है, तो वो एंटर करने के लिए यहाँ पे आएगा। तो थोड़ी देर हम वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे एंटर करने के लिए आ रहा है, स्टार है, 0 स्टार है, फ़ोन में हमको एंटर करना है। तो चलिए मैं फ़ोन में भी एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ इमरजेंसी कॉल पर जाता हूँ, 0 स्टार है, 0 स्टार है, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद ये थोड़ा देर यहाँ पे प्रोसेस लेगा, तो यहाँ पे थोड़ी देर ये टाइम लेगा। तो उसके बाद इसका जो ADB एनेबल अगर हो जाता है तो इसमें FRP इस टूल के मदद से हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे ओके ओके आ रहा है। तो फोन का स्क्रीन जो है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे परमिशन आएगा, फोन के ऊपर परमिशन आएगा, उसको अलाउ कर देंगे तो भी हमारा FRP जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई भी परमिशन का कोई भी ऑप्शन नहीं आया, तो थोड़ी देर हम वेट करते हैं। तो ये ओके ओके चल रहा है, कुछ भी अभी परमिशन नहीं आया है। तो यहाँ देख सकते हैं फोन के अंदर कोई भी परमिशन नहीं आया है और फेल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये फेल्ड हो चुका है। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसका जो डाटा केबल है उसको रिमूव करके दोबारा इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फेल्ड हो चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार डाटा केबल को जो है इसको रिमूव करके फिर से दोबारा प्लग इन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे डाटा केबल इंसर्ट कर देता हूँ, फिर से दोबारा हम ट्राई करेंगे नॉर्मल मोड पर ADB एनेबल करने के लिए, दोबारा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहा है, तो इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ओके ओके आ रहा है, वही सेम प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसका जो ADB है वो एनेबल नहीं हो पा रहा है इस टूल के मदद से। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे ओके ओके आ रहा है, तो प्रोसेस चालू है अभी तक। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं थोड़ा देर टाइम ले रहा है मतलब प्रोसेस होने में। तो यहाँ पे फोन में सामने आएगा एग्री करने के लिए, तो वहाँ पे जैसे ही एग्री आएगा तभी तो जाके आपका ADB जो है एनेबल हो पाएगा। तो इस टूल का मदद से यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी तक कोई भी हमारा जो है ऑप्शन नहीं आया अभी, तो इसमें ये फेल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी फेल्ड हो चुका है, तो ये प्रोसेस भी फेल्ड हो चुका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस टूल को हम क्लोज कर देंगे। तो सिंपली इस टूल को क्लोज कर देंगे, क्लोज करके हम सिस्टम को रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम जो एंड्रॉयड अल्टरनेटिव टूल है उसको ओपन कर लेंगे। तो ये एंड्रॉयड अल्टरनेटिव टूल जो है, तो इसको ओपन करेंगे और सैमसंग वाला पे जाएंगे। सैमसंग में जाके तो यहाँ पे फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम टिक मार्क लगा दिए, तो फोन का स्क्रीन अभी ऑफ हो गया है, तो इसको हम
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अभी फ़ोन जो है कनेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर से सेम दोबारा हम क्लिक करते हैं इस पे तो फिर से वही सेम प्रोसेस आ रहा है। तो फ़ोन का स्क्रीन जो है ऑफ हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। तो ये जो है देख सकते हैं ये ADV, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे कि हमारा ADV जो है एनेबल हो पाता है नहीं होता। तो यहाँ फिर से मैं दोबारा क्लिक किया हूँ, तो यहाँ पे प्रोसेस अभी चालू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी प्रोसेस चालू है, तो इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन का फ़ोन का जो है ऑप्शन यहाँ पे अभी आ जाएगा। देख सकते हैं ये आ गया है। तो यहाँ पे हम टिक मार्क लगा के अलाउ कर देंगे। जैसे ही अलाउ करेंगे तो ये हमारा काम डन हो चुका है, ADV एनेबल हो चुका है। तो हम फिर से इसको क्लिक करेंगे तो ये फ़ोन जो है फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ओके हो चुका है और अभी फोन जो है रिबूट होगा। तो यहाँ पे फोन का स्क्रीन ऑफ हो रहा है, तो मैं थोड़ा ये देख सकते हैं ये जो है हमारा FRP हो चुका है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं FRP अनलॉक हो चुका है। तो ADVG इस पे ही क्लिक करना है, तभी जाके ये इसका ADV एनेबल हो पाएगा। तो देख सकते हैं तो इसमें अनलॉक हो चुका है।